एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में बात हनीप्रीत की, जो एक एक दिन इंतजार में है जमानत के, लेकिन हर बीतते दिन के साथ हनीप्रीत से जुड़ा कोई ना कोई नया राज सामने आता है। ताजा खुलासा हनीप्रीत की हजारों करोड़ की संपत्ति को लेकर है, क्योंकि SIT को इससे जुड़े अहम सुराग मिले हैं और ऐसे में हनीप्रीत से जुड़े राज और भी अहम हो जाते हैं कि इतना पैसा कहां से आया और इसे किस तरह से पूरे जाल को बुना गया। आपने हनीप्रीत को देखा, वो हनीप्रीत ऐसी नहीं। मूवीज का तो मुझे शौक ही नहीं था एज अ हीरोइन आने का। आंसुओं की ये ढाल नाकाम हुई, पुलिस के सामने चुप्पी का हथियार भी नाकाम रहा। हनीप्रीत पुलिस के सवाल जवाब से बचकर अंबाला सेंट्रल जेल पहुंच गई, लेकिन हनीप्रीत के गुनाह सिर्फ उसकी जुबानी सामने आने के मोहताज नहीं है। कई बरस से किए गए उसके गुनाहों के कई सबूत भी SIT के हाथ लग चुके हैं। हनीप्रीत पर लगे देशद्रोह के इल्जाम पर तो सुनवाई चल रही है, लेकिन इस दौरान उसकी अकूत दौलत से जुड़े दस्तावेज भी SIT के हाथ लगे हैं। हनीप्रीत और राम रहीम के हजारों करोड़ की दौलत का कच्चा चिट्ठा जल्द ही सामने आ सकता है, जिस सिरसा डेरा पर चलती थी हनीप्रीत की हुकूमत। सिर्फ उस डेरा की संपत्ति करीब 1453 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूरे हरियाणा में डेरा की तमाम संपत्तियों की कीमत 1600 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है, जबकि डेरा की संपत्तियां देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं। नेपाल और अमेरिका में भी डेरा की संपत्तियां होने का अनुमान है। पुलिस को शक है कि डेरा सच्चा सौदा की ज्यादातर संपत्तियों में हनीप्रीत की हिस्सेदारी है, क्योंकि हनीप्रीत इकलौती वो शख्स है जो डेरा प्रमुख राम रहीम की सबसे करीबी है। हालांकि हनीप्रीत हर आरोप पर खुद को बेकसूर बताती है, फिर चाहे वो राम रहीम से उसके रहस्यमयी रिश्ते हों, डेरा पर उसकी हुकूमत हो या हजारों करोड़ की दौलत से जुड़े सवाल हो। 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी से पहले ऐसे हर सवाल पर हनीप्रीत का यही कहना था कि उसके बारे में जैसा बताया जा रहा है वो वैसे नहीं है। जो आपने हनीप्रीत को देखा वो हनीप्रीत ऐसी हनीप्रीत को एक इस तरह से प्रेजेंट किया है कि भी वो मुझे खुद को भी डर लगने लग गया उससे। मैं इतने डर के साथ आगे बढ़ी हूँ आज कि वे इस टाइम एक मेरे मेंटल स्थिति को मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन 3 अक्टूबर से लेकर अब तक एक एक कर जो सबूत SIT के हाथ लग रहे हैं वो इशारा करते हैं कि हनीप्रीत की तमाम दलीलें बेमानी हैं। पुलिस रिमांड के दौरान SIT की टीम जब हनीप्रीत को लेकर गुरसर मोडिया डेरा पहुंची थी, उस वक्त SIT के हाथ लगे थे 3 बैग। बैग से मिले सामानों की जांच अब भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बैग में मिले दस्तावेजों से कई 100 करोड़ की 100 से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है, वो ज्यादातर संपत्तियां हनीप्रीत के नाम है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब और कई दूसरे राज्यों में तमाम संपत्तियां हैं। बैग से कुछ कागजात भी मिले हैं जिनमें लेन देन की जानकारी दर्ज है, साथ ही अलग अलग बैंकों में दर्जन डेबिट कार्ड भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब उन बैंक अकाउंट्स और जमीनों की कीमत आंकने में जुटी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हनीप्रीत के नाम दर्ज जमीनों की कीमत कई 100 करोड़ हो सकती है और उसके अकाउंट में भी मोटी रकम मिल सकती है। गुरुसर मोडिया से मिले बैग्स के साथ ही SIT को 8 सितंबर को सिरसा डेरा से मिले थे 2 लैपटॉप। इनमें से 1 लैपटॉप हनीप्रीत का बताया जा रहा है। दोनों लैपटॉप के डाटा डिलीट किए जा चुके हैं, जिन्हें एक्सपर्ट की मदद से पुलिस फिर हासिल कर रही है। डाटा रिकवरी के दौरान कुछ फाइलें पुलिस के हाथ भी लग चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में लैपटॉप से राम रहीम की कंपनियों की फाइल मिली है। राम रहीम के कुल 7 कंपनियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इनमें से 1 कंपनी रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई है। रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी का मुख्यालय दिल्ली बताया जा रहा है। पता चला है कि डेरा का काफी पैसा रियल एस्टेट कारोबार में लगा था। राम रहीम की काली कमाई में हनीप्रीत की बराबर की हिस्सेदारी मानी जा रही है, यानी हजारों करोड़ की हनीप्रीत के राज अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। शायद यही वजह है कि अंबाला जेल में कैद हनीप्रीत की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।
6 नवंबर तक हनीप्रीत को जेल में ही रहना होगा, हिरासत में रहना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि हनीप्रीत के दिमाग में इन दिनों वो तमाम चीजें याद आती हैं जो उसने अपनी बीती जिंदगी में जी हैं। इसमें शानो शौकत से लेकर वो तमाम राज भी शामिल हैं जिसका इंतजार हर किसी को है कि आखिर असली तस्वीर डेरे की क्या थी, वहां पर जो रहस्य अब तक है वो कब सामने आएंगे। लेकिन इन तमाम चिंताओं के बीच हनीप्रीत जेल में बीमार पड़ गई। हजारों करोड़ की हनीप्रीत, आज जेल में तड़प रही है। महज चंद रोज में हो गई है हनीप्रीत की ये हालत। खुद को बेबी डॉल बताने वाली कैटरीना कैफ जैसा फिगर हासिल करने वाली हजारों करोड़ की मालिक हनीप्रीत की इस हालत के लिए कसूरवार हैं उसके वो गुनाह जो उसने सालों साल डेरा सच्चा सौदा में किए, वो गुनाह जो उसने खुद किए, और रेप के दोषी राम रहीम के वो गुनाह जिनकी राजदार है हनीप्रीत। चमक तमक के पीछे छिपे वो गुनाह सामने आए तो जेल की सलाखों में पहुंच गई हनीप्रीत। अब ये बेबी डॉल जेल में इतनी बेबस है कि इसे दर्जनों बीमारियों ने घेर लिया है। आलिशान महल जैसे सिरसा के डेरा में शहजादियों जैसी जिंदगी बिताने वाली हनीप्रीत की बेबसी उसी वक्त सामने आ गई थी जब 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी से पहले वो आज तक के कैमरे के सामने आई थी कि वे इस टाइम एक मेरे मेंटल स्थिति को मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या हूँ। मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई थी। 38 दिन फरार रहने के बाद भी जब बचने का कोई रास्ता सामने नहीं आया तो मजबूरन हनीप्रीत को सामने आना पड़ा था। और अब जेल की सलाखों में भी हनीप्रीत की यही बेबसी नजर आती है। जेल पहुंचते ही हनीप्रीत के सारे दर्द भी सामने आ गए। एक हफ्ते पहले ही हनीप्रीत ने अंबाला जेल प्रशासन से इलाज की गुहार लगाई है। उसे बदन दर्द, सिर दर्द, उलझन, बेचैनी, माइग्रेन, तनाव और न जाने क्या क्या तकलीफें हो गई हैं। देखिए, हमारे जो एक लेडी डॉक्टर तथा एक महिला फिजिशियन को हमने वहाँ पे स्पेशली इस बात के लिए भेजा था जिसमें कि हनीप्रीत ने कंप्लेंट की कि मेरे सिर में दर्द है, और उसको जब मेडिसिन एडवाइस की गई तो उसको पैरासिटामोल तथा डोमपेरिडोन ऐसी मेडिसिन उसको दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक हनीप्रीत की यह हालत उसके ज्यादा सोचने की वजह से हुई है। जेल सूत्रों की माने तो हनीप्रीत हर वक्त कुछ सोचती रहती है। अंबाला जेल में हनीप्रीत को 12 दिन हो गए हैं लेकिन एक भी दिन वो रात में चैन से सो नहीं सकी है। उसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा तो अपने अंजाम का ही खौफ सता रहा है। इसके साथ ही उसे सता रही है 2 साथियों के रेप के आरोप में रोहतक की सुनारिया जेल में कैद अपने पापा गुरमीत राम रहीम की याद। हनीप्रीत को उसके गुनाहों की याद भी झकझोरती रहती है और अपने ऐशो आराम के दौर को याद करके भी उस सदमे में आ जाती है। नींद ना आने की वजह से हेडेक डेफिनेटली बढ़ जाता है, माइग्रेन भी बढ़ जाता है, ओवर स्ट्रेस्ड अगर रहेंगे तो भी हेडेक हो जाता है। तो ये कुछ एक रीजंस हैं जिससे उनका हेडेक जो है वो ज़्यादा है। ये भी एक रीज़न है क्योंकि एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, स्ट्रेस, एक ही बात को बार बार सोचना, इससे भी हमारे जो हेडेक है वो डेफिनेटली बढ़ता है। इसमें कोई डाउट। उसी दौर को याद कर हनीप्रीत छोटी दिवाली पर मिलने पहुंचे माँ बाप के सामने फूट फूट कर रोई थी। लेकिन आज के वक्त का एहसास हनीप्रीत को उस वक्त जरा भी नहीं हुआ जब वो गुनाहों की राह पर सरपट दौड़ रही थी। रेप केस में राम रहीम को जेल होने के बाद भी हनीप्रीत को उम्मीद थी कि उस पर किसी को शक नहीं होगा, इसीलिए उस वक्त हनीप्रीत जेल में राम रहीम की तीमारदारी के लिए भी बेताब थी। इसके लिए बाकायदा एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवाया गया था जिसमें साफ लिखा था कि हनीप्रीत गुरमीत राम रहीम की अटेंडेंट है, उसकी बीमारियों से वाकिफ है, इसलिए उसका बाबा के करीब रहना निहायत जरूरी है। अब राम रहीम के उस फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जांच की जा रही है।
यानी जो हनीप्रीत कल तक साजिश करके राम रहीम की तीमारदार बनना चाहती थी, आज वो खुद बीमार है। आज खुद हनीप्रीत को जरूरत है एक तीमारदार की। कमलप्रीत सभरवाल के साथ मंजीत सहगल, अंबाला आज तक। 25 अगस्त वो तारीख जिस दिन पंचकुला में जबरदस्त हिंसा हुई थी और इसी हिंसा के आरोप में, इसकी साजिश रचने के आरोप में हनीप्रीत सलाखों के पीछे है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर हनीप्रीत की वो क्या भूमिका है जिसे लेकर पंजाब और हरियाणा के शहर जब हिंसा में जले थे तो उसे लेकर हनीप्रीत से तमाम सवाल जवाब SIT कर रही है, लेकिन अब तक जवाब मिले नहीं है। ठीक 2 महीने पहले का ये मंजर जब सुलग रहे थे हरियाणा और पंजाब के कई शहर, 2 सूबों में हिंसा भड़काने की इस साजिश का इल्जाम है हनीप्रीत पर, जो आज अंबाला सेंट्रल जेल में कैद है। हनीप्रीत की उस साजिश को आज 2 महीने पूरे हो गए। इन 2 महीनों में 38 दिन तक हनीप्रीत फरार रही। 38 दिन बाद पुलिस के शिकंजे में आने से भी पहले हनीप्रीत तक पहुंचा था आज तक। उस वक्त हनीप्रीत ने रो रो कर खुद की बेगुनाही की दुहाई दी थी। सारे ये वीडियोस हैं आपके पास, टीवी पे ये क्लिप्स आ रहे हैं, आप सबने देखा है, मुझे सारा ट्रैवल उतने देखा है, मैं उसमें कहां प्रेजेंट थी दंगे फसाने में। गिरफ्तारी के बाद 9 दिन तक हनीप्रीत पुलिस रिमांड में भी रही और अब 6 नवंबर तक हनीप्रीत अंबाला सेंट्रल जेल में ही रहेगी। 6 नवंबर के बाद भी हनीप्रीत को राहत मिलने की गुंजाइश कम ही है, क्योंकि हनीप्रीत की साजिश से जुड़े कई अहम सुराग SIT के हाथ लग चुके हैं। इनमें हनीप्रीत का मोबाइल और वो लैपटॉप भी है जिसमें 25 अगस्त की हिंसा से जुड़े तहरीरी सबूत मिलने की उम्मीद है। 6 नवंबर को पंचकुला कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस अदालत में रख सकती है हनीप्रीत के खिलाफ अब तक जुटाए गए तमाम सबूत। आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।